अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कोरंगीन इंडस्ट्रियल एरिया पर मौजूद हैं, मुर्तजा चौरंगी के करीब। ये आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है, कोई आम रोड नहीं है, मेन रोड है। और ये हालत देखें, पूरा तालाब का नमूना पेश कर रहा है। वो देखें गाड़ियां सामने आपको दूर नज़र आ रही होंगी, वहां से टर्न होकर ये वन वे जा रही हैं। और ये जिस पे वन वे जा रही हैं, ये भी कोई इतना अच्छा रोड नहीं है। आगे जाकर लाखों के करीब लोग गुजरते हैं अपने रोड पर। ये देखिए समंदर, पूरा रोड यहाँ से बंद, आगे से गाड़ियां हो रही हैं। और अभी मजे की बात, बहुत अच्छा हुआ, ये अभी देखिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखें रोड की हालत आपके सामने। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कारकर्दगी 5 साल, जब इनसे हिसाब मांगो तो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये कचरे का ट्रक, और देखें फिर भी ये भी नहीं ढपा हुआ। अब आप खुद फैसला कीजिए, आप लोगों ने अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक मरतबा फिर वोट देना है, फिर उन्होंने यही हाल करना है आपका। आलिशान कारकर्दगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तालाब का नमूना पेश कर दिया। और बोलो काम नहीं कर रहे तो फिर बोलते हैं इख्तियारात नहीं है। और वो सामने देखिए कचरा उठाया जा रहा है, कुछ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आने वाले 5 साल फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट दीजिए। बुलाया था कि कारकर्दगी मुत्तहिदा की लाइफ, ये रोड भी बैठने वाला है। ये आगे से आप देखिए गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं, कितनी मुश्किल से ले रही हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। वो देखें आगे एक डंपर जो टैंकर है वो टर्न ले रहा है। जब तक मुत्तहिदा को वोट देते रहेंगे यही हालत होगी। आपने खुद अपने आप में तब्दीली लानी है। तब्दीली का मतलब ये नहीं कि आप इमरान खान जो क्या है अपने वर्कर से नहीं मिलता, कराची वालों से क्या मिलेगा, कहीं आप उसको ना सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।